हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर का पार्ट थर्ड, और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि आरबीआई और एसबीआई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बिहार दरोगा मेंस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। आपको सारे पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद से आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु जिस पुलिस स्टेशन की स्थापना की है, तो इसका नाम है दिशा पुलिस स्टेशन, और ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की है कि उसने नए संभावित मिशनों की अवधारणा संबंधी अध्ययन हेतु कितने अनुसंधान कार्यक्रमों का चयन किया है, तो इसमें टोटल चार अनुसंधान कार्यक्रमों का चयन किया गया है राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया नामक संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें देश में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाले प्रदूषण लगभग 490 मिलियन कार्य दिवसों के नुकसान का कारण बना है, तो ये जारी किया गया है भारत में, तो भारत इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो इस एक्सप्रेस का नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस, और ये शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 फरवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, तो ऐसा करने वाला राज्य है हरियाणा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, तो इसमें टोटल 5% की बढ़ोतरी किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा राज्य के जितने भी कर्मचारियों हैं उनके महंगाई भत्ते में। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पुर्तगाल ने हाल ही में समुद्री बौद्धिक संपदा अधिकार, हवाई क्षेत्र एवं वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है पुर्तगाल और भारत के द्वारा। आयकर विभाग के अनुसार यदि अस्थायी खाता संख्या यानी पैन को कितने तारीख तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो वह निष्क्रिय किया जाएगा। 31 मार्च इसका लास्ट डेट रखा गया है पैन को आधार से लिंक करने का आयकर विभाग के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है, तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। वह देश जो वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी करेगा, तो ये भारत में होने वाला है, कॉप 13वें कॉप सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप में किस देश के पहलवान हिस्सा नहीं लेंगे, चीन के जितने भी वेट लिफ्टर हैं इसमें हिस्सा नहीं लेने वाले हैं एशियाई चैंपियनशिप जो कि दिल्ली में होने वाला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश एवं किस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र में, और इसके साथ साथ एक मध्य प्रदेश के भी क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसका नाम है कोरकू जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए की न्यूनतम भुगतान पूंजी के साथ खुदरा भुगतान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अखिल भारतीय नई अम्ब्रेला इकाई को स्थापित करने की स्थापना की है, तो 500 करोड़ रुपए इसका जो अमाउंट का रखा गया है आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में घोषणा की है कि वह केंद्र शासित प्रदेश को जल्द ही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के दायरे में लाएंगे। तो ये जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख का एरिया है उसको लाने की घोषणा किया गया है पीएमओ के जो राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए कितने वार्ताकारों को नियुक्त किया गया है, तो इसमें टोटल 3 जो मेडिएटर है उनको नियुक्त किया गया है, जो कि प्रोटेस्ट चल रहा है शाहीन बाग में उसको कम करने के लिए या सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने मुगल बादशाह शाहजहाँ के किस बेटे की दिल्ली में कब्र खोजने के हेतु पुरातत्व विभाग को का जो पैनल है वो गठित किया है। इसमें दारा सिकोह का जो पैनल है ये गठित किया गया है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक एवं भारत सरकार ने हाल ही में अटल भूजल योजना के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण को समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसमें टोटल 450 मिलियन डॉलर का जो लोन है ये समझौता किया गया है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने एक पैनल को गठित किया है जिसमें थ्रो खिलाड़ी अमित दहिया पर रोक लगा दिया गया है खेलने से, तो इसमें टोटल 4 वर्षों का रोक लगाया गया है नाडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, साख निर्धारण एवं बाजार अनुसंधान कंपनी मूडीज के अनुसार 2020 के लिए भारत का जो GDP है वो कितना रखा गया है, इसका टोटल GDP रखा गया है 5.4%, और ये प्रिडिक्ट किया गया है मूडी का जो एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट है ये है 5.4। अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस ये कब मनाया जाता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस ये मनाया जाता है 19 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार 2020 का जो अनुसारिक देश का 79% पक्षियों की तादाद घटी है, तो इसमें ये भारत में घटी है ऐसा बताया गया है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार। राजस्थान के किस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर 4th राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये आयोजन किया गया है उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी और जिसने संयुक्त रूप से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का पुरस्कार जीता है, जो ये जीता गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा, और इसके साथ एक और प्लेयर हैं जिनका नाम है लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में 1% वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसमें ये स्टेट है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहले दिन ग्रीनो के रोमन के 87 किलो भारत वर्ग के फाइनल में पदक जीतकर इतिहास रचा है, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने ये पदक जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, तो इसमें टोटल बजट पेश किया गया है 5,12,860.72 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल जिसका नाम है रॉड 2 का सफल प्रशिक्षण किया है, तो इसका देश है पाकिस्तान ने ये मिसाइल प्रशिक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया, तो ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं और इनका नाम है अशरफ गनी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग में मोमेंट का अवार्ड दिया गया है, तो ये है सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड मिला है जिसका नाम है लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस हाल में मुख्य सूचना आयुक्त का नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त भारत का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए जिसे नाम से जुड़ने
विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो इस ट्रेन का नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है महंत नृत्य गोपाल दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2020 को जिस राज्य सरकार को अवैध रेत खनन पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश किया गया है, तो ये है राजस्थान को रोक लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाल ही में जिस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है, तो इसका नाम है रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथनोलॉज के अनुसार वह भाषा जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है, तो ये है हिंदी, और पहली भाषा है इंग्लिश, और दूसरी भाषा है चाइना की भाषा, और तीसरी भाषा है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती किस दिन मनाई जाती है, तो ये मनाया जाता है 19 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 3 दिवसीय विशाल पक्षी गणना के दौरान पक्षियों की जितनी नई प्रजातियां पाई गई है, तो इसमें टोटल 2 नई प्रजातियां पाई गई है, और ये लद्दाख में ये सर्वे किया गया केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत सरकार के द्वारा ये सर्वे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस राज्य की छिपकली की नई प्रजाति अवर्टबेंट ट्वेंड गेको नामक का जो खोज किया गया है, ये असम में किया गया है खोज। ये एक प्रकार का नई छिपकली है और ये असम में किया गया है, जिसका नाम है अर्बन बेंट ट्वेंड गेको। भारत में किस तारीख को भारत यूरो 6 मानक डीजल एवं पेट्रोल का उपयोग आरंभ किया गया, तो ये 1 अप्रैल को इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यही हमारे पार्ट 3 में इतने क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी देखने वाले हैं जो कि आपका फरवरी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।